दोस्तों, जब देश में कोई समस्या आती है तो मोदी जी उसमें अवसर देखते हैं अपने लाभ का, चाहे वो चुनाव हो या फिर कोरोना काल हो। देश के बच्चे जहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां ये मोदी सरकार अपने देश के बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालने के में टाइम लगा रहे हैं। जहां सभी देश ने अपने देशवासियों को 48 घंटे के अंदर निकाल लिया था, लेकिन मोदी सरकार इस पर विचार करने में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका पूरा सच रवीश कुमार ने बताया है। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जनता के लिए कितना सोचते हैं। इस खबर के बाद आप खुद ही ये अंदाजा लगा लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। रवीश कुमार ने कहा कि भारत की सुस्ती और यूक्रेन से सीधा विमान सेवा न होने के कारण फंसे हजारों छात्र, यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की एडवाइजरी जारी करने में भारत ने काफी देर कर दी। 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने और 11 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने अपने नागरिकों को 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। उसके अगले दिन यानी 12 फरवरी तक एक दर्जन देश ने अपने अपने नागरिकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ दें। लेकिन भारत ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। भारत ने 15 फरवरी को पहली बार एडवाइजरी जारी की जिसकी भाषा वैकल्पिक थी, जिसमें लिखा गया था कि भारतीय छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। खैर, इस मामले में सभी भारत को संदेश का लाभ दिया जा सकता है कि किसी को पता नहीं था कि 24 तारीख से अटैक हो जाएंगे, लेकिन सतर्कता में देरी या सुस्ती तो देखी जा सकती है। ऐसा नहीं था कि भारतीय छात्र यूक्रेन के हालत को नहीं समझ रहे थे, वे आने के लिए तैयार थे, मगर भारत से कोई सीधी उड़ान नहीं थी। अगर आपको जानना है तो ट्विटर पर जाएं। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक कई छात्रों ने प्रधानमंत्री को टैग कर लिखा है कि यूक्रेन से कोई व्यावसायिक उड़ान नहीं है। ऐसे में उनके पास रास्ता क्या था? 20,000 छात्रों को लाने के लिए बड़ी संख्या में विमान को लाने की जरूरत थी। ये छोटी संख्या नहीं है। एक छात्र के पिता ने बताया, उनका बेटा अगस्त 2021 में यूक्रेन गया था, तब 38,000 का टिकट था, क्योंकि यूक्रेन के लिए भारत की कोई उड़ान सेवा नहीं थी। कुछ विमान दुबई होकर जा रहे थे तो कुछ दोहा होकर, वहां से वापसी का भी यही हिसाब किताब है। युद्ध होने की आशंका को देखते हुए इन विमानों ने छात्रों की बेबसी का अंदाजा लगा लिया और भारत आने का टिकट 1,75,000 से लेकर 1,90,000 तक कर दिया। एक छात्र करीब 1,50,000 का टिकट कटा कर आई है। जो लोग सोशल मीडिया पर हजारों भारतीय छात्राओं को कोस रहे हैं कि इतना पैसा लगाकर विदेश गए तो टिकट क्यों नहीं खरीद सकते, यह बकवास बात। छात्र टिकट खरीदना चाहते थे मगर टिकट का दाम उनकी सीमा से बाहर हो गया। सरकार ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। अगर समय रहते एयर इंडिया का विमान भेजा गया होता तो छात्र टिकट कटाकर आ जाते। ये विमान मंगा रहे थे, ना कि फ्री में टिकट मांग रहे थे। ये सभी छात्र एक गरीब देश से पढ़ने गए हैं, अमीर घर के नहीं हैं। इनके लिए 1.25 लाख का टिकट खरीदना आसान नहीं था। इस पर भी 20,000 छात्राओं के लिए विमान की सीटें उपलब्ध नहीं थी। भारत के प्रयासों में सतर्कता की एक और बड़ी कमी नजर आती है। जरूरी नहीं था कि नागरिकों को विमान से भारत ही लाया जाए, उन्हें किसी तरह सीमावर्ती देश में पहुंचाने के लिए कहा जा सकता था। इस वक्त भी तो यही किया जा रहा है, सीमावर्ती इलाके के छात्रों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन की सीमा सटे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों की मदद ली जा रही है। युद्ध शुरू होने के पहले अगर इन छात्रों को सीमावर्ती क्षेत्र में भेज दिया गया होता तो कम से कम हमारे बच्चे सुरक्षित रहते और भारत के हजारों परिवारों में इस वक्त शांति बनी रहती। अब काफी देर हो चुकी है। आज कुछ 100 छात्रों को लाया जा रहा है, लेकिन वहां कई हजार छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन के इलाके से ये सीमावर्ती देश बहुत दूर है। भारत के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। इसे लेकर भारत को बातचीत नहीं हंगामा कर देना चाहिए था। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हर रास्ते पर बोलना चाहिए था। ठीक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है, लेकिन इस बात से छात्रों को क्या फायदा हुआ, यह साफ नहीं है। बस इसी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मोदी जी ने पुतिन से बात की है। अब यह सब इस देश का रूटीन हो गया है। कुछ छात्रों को भारत लाया जा रहा है, अब इसे भी सफलता बता दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, पुतिन जिसे हिंदी चैनलों पर दिन रात हीरो बताया जा रहा है, उसकी सनक का नतीजा हम सब देख रहे हैं।
और उस सभी पुतिन विरोधी नेताओं की सनक और चतुराई का भी, जिसका फोटो लेकर हिंदी अखबार भारत के सुपर पावर बनाने का सपना आज भी ठेलते रहते हैं। रूस के हमला करते ही दुनिया के कई देशों के प्रमुख टीवी पर आकर बयान देने लगे। भारत के प्रमुख चुनाव में व्यस्त थे, यूक्रेन संकट के नाम पर वोट मांगते थे। दोस्तों, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मोदी जी को केवल सत्ता की भूख है, केवल उनको वोट से मतलब है। रवीश कुमार की इन बातों से आप तो समझ ही गए होंगे कि सत्ता में बैठे मोदी सरकार सिर्फ चुनाव को ही अपना मेन मुद्दा मानते हैं। उनको चुनाव में कैसे जीतना है, सिर्फ इसी पे राजनीति करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।